संकट कटाय मिटाय सब पीड़ा, जोश मिलाय हनुमत बल बीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। जय बजरंग बली महाराज की, जय हो बागेश्वर धाम की। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मंगलवार के दिन करने हैं विशेष उपाय, संपूर्ण कार्य होंगे सिद्ध। हनुमान जी की ऐसी होगी कृपा, हो जाएंगे करोड़पति, बहुत मिलेगा पैसा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपके घर में आर्थिक जीवन खराब चल रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसों की कमी है, गंभीर बीमारियों में जूझ रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तमाम प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए, बालाजी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। बस आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स पर जल्दी से लिख दें जय हो बजरंग बली महाराज की, जय हो प्रभु श्री राम की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज बताएंगे हम मंगलवार की कुछ विशेष उपाय, होंगे चमत्कार, होगी बालाजी की कृपा। दोस्तों, मंगलवार के दिन स्वामी मंगल ग्रह है। मंगलवार के दिन का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह सभी ग्रहों का सेनापति है और मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को ही समर्पित है। मंगलवार के दिन राम भगवान के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का भी माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना पूरे विश्व में की जाती है। मंगल ग्रह को ज्योतिष विज्ञान के अनुसार उग्र स्वभाव वाला बताया गया है, जिसकी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े, कष्ट और दुर्घटनाएं होने के कारक होते हैं। मंगल ग्रह का प्रभाव से कई लोगों को मानसिक परेशानियां, रक्तचाप संबंधी रोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग मंगल को शांत रखने का प्रयास नहीं करते हैं, मंगल बहुत परेशान कर सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में बताएंगे संपूर्ण जानकारी, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को मंगलमय और शुभम बना सकता है। कहते हैं दोस्तों कि अगर हमारा मंगल है तो सब कुछ ही मंगल है, दिन मंगल है, सब कुछ मंगल है। तो चलिए जानते हैं इसके संपूर्ण विशेषताएं, जानकारियां। सर्वप्रथम आपको करना है पहला उपाय, हनुमान जी को दीप दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मंगल से प्रताड़ित हैं तथा दिन पर अभी मंगल का बुरा प्रभाव नहीं है, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को मंगलवार के दिन सुबह और शाम के समय बजरंग बली जी के सामने दोस्तों दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां रखनी है। दीप जलाते समय बाती को लाल रंग का करके उसे घी के अच्छे से डुबो करके थोड़ा सा सिंदूर छिड़क कर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से मंगल के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। मंगलवार के कुप्रभाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ सप्ताह के सातों दिन करना चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन कुछ विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके आप मंगल ग्रह के कुप्रभाव से बच सकते हैं। जो लोग सप्ताह के सातों दिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, तो वह चाहे तो मंगलवार के दिन कम से कम दो बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन एक बार घर में तथा एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाकर करें तो बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े होकर दीप जलाकर वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा उसके बाद हनुमान जी की आरती अवश्य करें। दोस्तों, गुड़ और चने से भी मंगल दोष का होगा निवारण और संपूर्ण कष्टों का होगा संन्यास। देखिए, मंगलवार के दिन मंगल के प्रभाव से बचने के लिए एक उपाय यह भी है कि गुड़ और चने को खरीद कर बंदरों को तथा गाय को खिलाना चाहिए। मंगल के प्रभाव से बचने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है, लेकिन गाय का रंग इस उपाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गुड़ और गाय चना गाय को खिला रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप गुड़ और चना गाय को खिला रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि गाय का रंग लाल होना चाहिए। जिस प्रकार सूरज उगते समय लालिमा लिया रहता है, उसी लालिमा के रंग की तरह गाय का रंग होना आवश्यक है। चमेली के तेल से करें उपाय, होंगे बड़े चमत्कार। चमेली का तेल एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय उपाय है।
जो कि अक्सर लोग शनिवार के दिन करते हैं। एक शीशी बाजार में चमेली का तेल लेकर उसमें सिंदूर मिला दीजिए। इसके बाद नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को इस लेप से लेपन करिए। इस उपाय को बहुत से लोग शनिवार को भी करते हैं। यह उपाय मंगल और शनि दोनों के कुप्रभावों से बचने में बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, बूंदी का प्रसाद दूर करता है मंगल दोष संपूर्ण कष्ट। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद बहुत ही पसंद है। जो व्यक्ति मंगल से परेशान है तथा मंगल के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं, उन लोगों को मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए तथा प्रसाद को चढ़ाने के बाद मंदिर में ही उसे बांट देना चाहिए। ध्यान रखें, बचा हुआ बूंदी का प्रसाद अपने साथ घर लेकर ना आए, पूरा का पूरा बूंदी मंदिर में ही बांट दें। 40 मंगलवार ऐसा करने से मंगल दोष का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माला का उपाय कर देगा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को मंगल के कुप्रभाव से बचना है, वह लोग तुलसी के पत्ते से बनी माला को हनुमान जी को चढ़ाकर मंगल को बच सकते हैं, मंगल कुप्रभाव को बच सकते हैं। माला बनाने के लिए तुलसी के 108 पत्ते तोड़कर प्रत्येक तुलसी में राम लिखकर उसे माला को लाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से मंगल के प्रभावों से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को तुलसी की माला पहनाना, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भेंट करना, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से लेपन करना, लाल गाय या बंदरों को गुड़ और चना खिलाना, मंगलवार को हनुमान चालीसा को कम से कम 2 बार पाठ करना, लाल बाती को घी में जलाकर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना। दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी ये वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। दोस्तों, आप इस सब जानकारी को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही सरल उपाय और अचूक उपाय इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन व्रत रख कर, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के दिन हमें क्या करना है, व्रत रख कर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा से जातक के सभी संकट टल जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। धार्मिक मानता है कि मंगलवार के दिन विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा करने से काम में आ रही हर तरह की बाधा दूर होती हैं। साथ ही भक्तों को रोग दोष भूत पिशाच और भय से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, इसे दूर करने के लिए मंगलवार को बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूर्व दिशा में मुंह करके तुलसी की माला से श्री राम नाम का कम से कम 11 बार जाप करें। हर मंगलवार को ऐसा करने से बजरंगबली बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सारे कष्ट जो आते हैं उन्हें दूर करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना से भी बहुत लाभ मिलता है। आज के दिन अपने पूजा घर में इस यंत्र को स्थापित करें और हर दिन इसकी पूजा करें। इससे आपकी सारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपकी सारी समस्याएं बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, लास्ट जानकारी, मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अथवा गुलाब की माला चढ़ाने से भी वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। इसके अलावा शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार का दिन भी सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए संपूर्ण उपाय संपूर्ण विधि विधान आपको नियमानुसार करना है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा कहे जाते हैं और उनकी बहुत चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हैं जो वर्तमान कलयुग में बहुत ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से संपूर्ण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही आशीर्वाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य करें। जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की।